हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम गुणा मल्टीप्लिकेशन से संबंधित शब्द पहेलियों को हल करना सीखेंगे। बब्बन को स्कूल की वस्तुओं को बेचने के लिए नई दुकान शुरू करनी है। बब्बन ने सोचा, मैं शहर जाकर ज्यादा संख्या में वस्तुएं खरीदकर लाऊंगा ताकि मैं उन्हें कम दाम में खरीदकर अच्छा मुनाफा कमा सकूं। बब्बन अपनी नई दुकान के लिए कुछ वस्तुएं खरीदने शहर पहुंच गया। बब्बन पहले 238 बस्ते खरीदना चाहता है। हर बस्ते का दाम 125 रुपए है। अब बब्बन सोच रहा है कि उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। बच्चों, क्या आप बब्बन को इस प्रश्न का हल ढूंढने में मदद कर सकते हैं? बच्चों, जब भी हमें एक वस्तु का दाम दिया हो और हमें अनेक वस्तुओं का कुल दाम पता करना हो तो हम किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल ठीक, गुणा मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया का। यहाँ एक बस्ते का दाम 125 रुपए है और हमें 238 बस्तों का कुल दाम पता लगाना है, इसलिए हम 238 को 125 से गुणा करेंगे। बच्चों, क्या आप इस गुणा का उत्तर ढूंढ सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम इस तरह से 238 गुणा 125 का उत्तर 29,750 है ये ढूंढ सकते हैं। बब्बन ने वो 238 बस्ते खरीद लिए और बाकी वस्तुओं को खरीद कर अपनी नई दुकान खोल ली। बब्बन ने अपनी दुकान में हर बस्ते का दाम 150 रुपए रखा है। बब्बन की दुकान जोरों से चल पड़ी। वो हर हफ्ते 8 बस्ते बेच रहा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन 8 हफ्तों में बस्ते बेचकर कुल कितने रुपए कमा लेगा? बब्बन हर हफ्ते 8 बस्ते बेचता है। पहले हम ये पता लगाएंगे कि 8 हफ्तों में बब्बन कुल कितने बस्ते बेचेगा। हमें ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, हर हफ्ते में बिके बस्तों की संख्या को कुल हफ्तों से गुणा करना होगा। 8 × 8 हो गए 64। बब्बन 8 हफ्तों में 64 बस्ते बेचेगा। बब्बन हर बस्ते को 150 रुपए में बेचता है। बब्बन ने 64 बस्ते बेचकर कितने रुपए कमाए, इसका पता लगाने के लिए हमें केवल 64 बस्तों को 150 रुपयों से गुणा मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। बब्बन 8 हफ्तों में 150 रुपए के 64 बस्ते बेचकर 9,600 रुपए कमाएगा। बब्बन की दुकान से उसे बहुत मुनाफा हुआ और उसने ढेर सारे रुपए कमाकर अपने लिए एक नया घर खरीद लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने गुणा मल्टीप्लिकेशन से संबंधित शब्द पहेलियां हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।